नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी स्टूडियो प्लस में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक प्लेटफॉर्म जो आपके एमपी और एमपी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए समर्पित है। हमारी टीम आपके साथ रोज काम कर रही है, आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, जिसमें सालन तिवारी सर, दिनेश सर काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं, राजुल श्रीवास्तव मैम है, जितेंद्र राजाराम सर, सन्मति जैन सर जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। अभी हम लोग पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि हमने साइटोलॉजी पर डिस्कस किया था, कोशिका विज्ञान पढ़ा था हमने, और दूसरे लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज़ इक्विपमेंट। हम लोग जी हाँ आज उन चैप्टर पर, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो MPPSC के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सॉरी पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संभावना सबसे ज़्यादा इसी से रहती है, इक्विपमेंट से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं उपकरण। इन उपकरणों से हर साल लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको सभी इक्विपमेंट के आंसर्स पता हों कि किस इक्विपमेंट से कब कौन सा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और आज की क्लास में हमने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया है, तो आप लोग देखेंगे अभी कि ये पूरे उपकरण जो हैं आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, और इस बार आपका जो इक्विपमेंट से क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। तो चलने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, मेरे उन कंटेस्टेंट के लिए जो लोग बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, या वो स्टूडेंट जो अभी अभी हमसे ज्वाइन हुए हैं, उनको पहले अभी इसके बारे में पता नहीं था या इस लेक्चर को नहीं देखा था, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अजय है। 4 साल से मैं विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स को और जनरल सॉरी एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट, और मंडे को से संडे मैं रोज आपके साथ रहता हूँ, 11 बजे लाइव होता हूँ और 3 बजे शाम को लाइव होता हूँ। आपके जो भी और डिटेल्स अगर आप हमारी देना पाना चाहते हैं तो आप हमारे दी गई लिंक, नीचे जो लिंक दी गई है इनसे आप पता कर सकते हैं और बाकी इसको फॉलो कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अगर हमसे परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें जो आपको लर्निंग वर्ल्ड को ओपन करता है। इसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ऐप, और इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, टारगेट जिस भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं, क्रैक करना चाहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं उस वर्ल्ड में जहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ का पिटारा मिल जाता है, जैसे फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये पूरी चीज़ें जो कि आपको बाकी जनरल क्लासेस से बिल्कुल अलग कर देती हैं, क्योंकि आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर हर टाइप की लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कन्वीनियंट हो, और बहुत सारी प्रैक्टिस लगाकर आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। रोज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेस रहेंगे जो कि आप जो भी क्विजेस को आप अगर पार्टिसिपेट करते हो इसके अंदर तो आपको उसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं जो आपको बाकी एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, जैसे भी आप कोई भी डाउट आता है आप जैसे अभी हमसे डाउट पूछेंगे देन आई एम रेडी टू आंसर यू, क्लियर करेंगे। डिटेल टेस्ट सीरीज रहेगी जो आपको रोज अगर आप कुछ भूल जाते तो आपको याद कराती रहेगी। बात करते हैं हम लोग उसकी कि आपको इसमें कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर सेटिंग फार फ्रॉम योर एजुकेटर, आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा यू आर सेटिंग इन फ्रंट ऑफ योर एजुकेटर और आप उनसे बात कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, चैट कर सकेंगे, ठीक है। तो और आप कहीं पर भी कभी भी सीख सकते हैं, सबसे इसका मेन फीचर दैट इज़ कि आप एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग है। आप अभी अगर हमारे वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में इसको देख सकते हैं, स्पीड फास्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं ताकि आपका समय भी इसमें सेव हो सकता है। सो इसी तरीके से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा आपका सिलेबस है इसके लिए एक नहीं, जैसे आप बात करते हैं कि हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइंस की, हर टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और इन ये जैसे हिस्ट्री के लिए लगभग 10 कोर्सेज हमारे यहाँ हैं, पॉलिटी के लिए 8 कोर्सेज, तो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको यहाँ पर मिलता है। जी हाँ, और हमारे पास बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, जिस एजुकेटर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स के बारे में आप जब ऐप पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत से बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हमारे पास हैं।
दूसरी हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन अगर आप इसमें लेते हैं तो आपको एक मंथ से लेकर 12 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है जो आपको बहुत ही सस्ते दामों पर, क्योंकि हम लोग पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं ना कि केवल एक सब्जेक्ट की। अगर आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दैट इज़ अराउंड 1400 रुपीज़ रहेगा, और अगर आप इसको 12 मंथ का लेते हैं तो यही आपको 583 रुपये 583 रुपीज़ का आएगा। और उसके बाद भी अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं ये 7000 रुपये लगभग एक साल का पड़ेगा, 583 रुपये पर मंथ पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। और अगर आप यहाँ पर हमारा कोड ABLIVE अजय बसेड़िया लाइव का यूज़ करते हैं तो आपको यही चीज़ केवल 6300 रुपये मिलेगी, वो भी पूरे एक साल के लिए। सो और पूरे सब्जेक्ट्स की स्टडी इसमें कराई जाएगी, दैट इज़ फॉर अस। एंड अगर आप 20 इसका लैपटॉप या कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं देन दैट थिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास उपलब्ध है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी। सब्सक्रिप्शन लेते तो उसका चार्ज जो है वो 11200 है, लेकिन मेरे कोड को जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर से बता दूं मेरा कोड है ABLIVE, AB अजय बसेड़िया लाइव, मैं आपके साथ हूँ। जिससे आप यूज़ करेंगे तो आपको यही कोर्स केवल 10080 रुपये मिलेगा, वो भी 24 महीने के लिए, 2 साल तक के लिए आप अनअकैडमी से लर्निंग कर सकते हैं 10080 रुपये में। आई होप कि यू मे हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ माई ऐप और इम्पोर्टेंस ऑफ माई ऐप। कंटिन्यू करते हैं हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिनके लिए हम लोग आज फिर से लाइव आए हैं, और जो लोग हमारे साथ लाइव हैं हमें हेलो कहें ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज का जो टॉपिक है केवल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, हम पूरे उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं आज जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की या इक्विपमेंट की अगर हम बात यहाँ पर लेकर आपके सामने आए हैं तो ये मान के चलिए कि आज से आपका कोई भी क्वेश्चन इससे जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, आपके साथ लेके आए हैं। तो हमारा जो पहला उपकरण आपके सामने जो दिख रहा है दैट इज स्टेथोस्कोप। हर पर्सन इससे लगभग कनेक्टेड होता है और ये हर डॉक्टर के पास पाया जाता है, ऑब्वियसली आप इसको समझ सक गए होंगे। और देखते हैं इसको, ये हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र है, ध्यान दें ये क्या होता है, हृदय की गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि स्पेग्नोमैनोमीटर जो होता है ये जो बाद में लगाया मैंने लिखा है इसको, ये एक अलग उपकरण है, इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं, ध्यान रखें गति सुनने का यंत्र है ये, आपने देखा होगा डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं हृदय की गति को सुनने में। जी हेलो डियर कुरैशी जी, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, कंटिन्यू रहें, आप आज एक बहुत अच्छे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आपकी बार का एग्जाम का ये वाला उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका खाली नहीं जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ इसमें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है हृदय गति को सुनने में, रक्तचाप को मापने में, हृदय की स्पीड को नापने में, तो खैर यही आएगा हृदय गति को सुनने में, नापने में नहीं, तो क्योंकि केवल सुनने में यूज़ किया था, इससे कोई चीज मेजर नहीं होती है। आप इसको डॉक्टर लोग जो होते हैं इसकी गति गति को सुनते हैं, उसकी आवाज़ जो है साउंड को सुनते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसका प्रेशर है उसको नापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कई बार हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो हमेशा तैयार रहें कि इसका जो यूज़ है हृदय गति को केवल सुनने में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर इसको हृदय गति सुनने में यूज़ करते हैं, इसको बोलते स्टेथोस्कोप, क्या बोलते इसको स्टेथोस्कोप। ओके आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे, पिक्चर देखिए क्लियर है। रक्तदाब मापी, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर को बोलते हैं रक्तदाब मापी। ये रक्तदाब मापी स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। हाय सुपर सॉन्ग, रक्तदाब मापी ये एक्चुअली इट इज़ फॉर द ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड का प्रेशर नापा जाता है कि हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें ब्लड का प्रेशर कैसा कितना है उसको नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर लोग ये इसका यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो उसका पिक्चर आप देखेंगे तो एकदम क्लियर होगा। स्टेथोस्कोप की सहायता से इसको ये लोग चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप और ये स्फेग्नोमैनोमीटर दोनों का यूज़ किया जाता है आप
ब्लड का प्रेशर नापने के लिए। तो रक्त दाब मापी के इकाई की यूज किया जाता है रक्तचाप या रक्त दाब मापने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का, जिसको बोलते हैं रक्त दाब मापी। जबकि स्टेथोस्कोप हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त होता है। प्लीज इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रहें, इट इज ओनली फॉर लिसनिंग हार्ट बीट्स। हार्ट बीट को आप इसको सुनते हैं, बस डॉक्टर इसको सुनता है सभी। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल्स के भी और हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे उपकरणों से याद बनते हैं, हम लोग इनको ध्यान से सुने। इस पर एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि इसके अंदर जिस द्रव का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा द्रव होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो इसका जो दाव होता है, सॉरी जो द्रव होता है, दैट इज कौन सा होता है? पारा, लेड जिसको बोलते हैं। क्या होता है वो? पारा होता है। पारे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कई बार क्वेश्चन यही आता है रक्त दाब मापी में उपयोग या स्फेरोमीटर में उपयोग होने वाला लिक्विड है पारा, पानी, अल्कोहल, कुछ भी दे देता है। देन यू हैव टू नो कि इसमें कौन सा यूज किया जाता है, पारे का यूज किया जाता है। पारे का जो दाब होता है उसके अकॉर्डिंग इसको नापा जाता है, ठीक है। आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पर आप काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, 80 और 120 के बीच में इसका प्रेशर जनरली डॉक्टर लोग नापते हैं। लोअर 80 होना चाहिए, 80 मतलब, और हायर 120, और इससे ऊपर जाते तो रक्त ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। और लो ब्लड प्रेशर अगर 80 के नीचे 100 के नीचे आता है तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बोलो माने जाते हैं। गॉट इट? अब आता है अगला क्वेश्चन, विंड वैन। विंड वैन मतलब होता है, आई थिंक कि आप लोग इसका नाम से ही समझ पाए होंगे। विंड वैन अगर एग्जाम में आता है कि विंड वैन का उपयोग किया जाता है, या आप इसको मानोगे कि हवा की स्पीड नापने में इसका यूज किया जाता होगा विंड वैन, तो ये गलत है। विंड वैन का यूज जो है हवा की स्पीड या विंड की स्पीड नापने के लिए नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। आप बताइए क्या इसका यूज होता होगा? ये इसका इंस्ट्रूमेंट होता है। ये विंड की स्पीड को नहीं, ये केवल विंड की दिशा को बताता, डायरेक्शन को बताता है, पवन की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ विंड, किस दिशा से वो आ रहा है, फॉर दैट इट इज यूज्ड, ठीक है। अगर मान लो विंड इस दिशा से जा रही है ऐसे, तो दैट ये जो होता है ये इस पार्ट को मूव कर लगेगी यहाँ पर विंड, तो ये जो हिस्सा है वो मुड़ जाएगा। और विंड का जो इसका जो फेस है हैन का, जैसे उसमें एरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फेस है ये इस तरफ हो जाएगा और ये पीछे की तरफ चला जाएगा मूव होके। तो इससे क्या होता है कि ये जो ये फिक्स रहते हैं एन ई डब्ल्यू एफ, ये क्या होते हैं, आपको डायरेक्शन का सही डायरेक्शन बता देते हैं कि कौन सी दिशा में आपकी विंड बह रही है। डायरेक्शन का जो प्रॉपर आइडिया है इससे लग जाता है, दिशा का पता चलता है विंड वैन से, ठीक है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि विंड वैन जो है पवन की दिशा मापने का यंत्र है। विंड वैन का यूज पवन की दिशा मापने में किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं एक नए उपकरण को, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। और इस उपकरण का नाम है पायर हीलियोमीटर। क्या नाम है इसका? पायर हीलियोमीटर। ध्यान दें इसके नाम को, क्योंकि नाम जो है बड़ा कंफ्यूज करने वाला नाम है। इसी से रिलेटेड अभी एक और नाम आएगा, पायर हीलियोमीटर इसका नाम है। पायर हीलियोमीटर का यूज किया जाता है सौर विकिरण का मापन करने में। ध्यान दें, सौर विकिरण का मापन, सौर की जो को विकिरण है, जो उसका रेडिएशन है, उसको पता करने में यूज किया जाता है। कहेगा पायर हीलियोमीटर का कि कितना रेडिएशन कहाँ किस जगह पर है, दैट इज फॉर दैट कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, पायर हीलियोमीटर। ध्यान दें, पायर हीलियोमीटर। जबकि फोटोमीटर का यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग याद रखना कि फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, कितना तेज प्रकाश है, जबकि सौर का विकिरण, ठीक है, रेडिएशन को नापने में यूज किया जाता है। सोलर रेडिएशन जो होता है, दैट इज फॉर दैट हम लोग इससे पता करते हैं पायर हीलियोमीटर। हाउ डज इट वर्क? तो ये इसमें दिखाया गया है, इसके अंदर एक लेंस होता है, उस ट्यूब के जरिए इसको पता जाता है। इस टाइप इसकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले उपकरण की ओर, और दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि पायर हीलियोमीटर जो होता है सौर विकिरण को मापन करता है, ठीक है, जबकि फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र। कन्फ्यूज ना हो,
और अगली जो बात है पायरोमीटर, ध्यान दें अगला बात है पायरोमीटर, थोड़ा सा पायर से ही समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो पायरोमीटर ये ऐसी जगह के टेम्परेचर को यूज करने वाला यंत्र है जहां पर आप कहना चाहिए कि पांच, अगर थर्मामीटर को लगा थर्मामीटर जल जाएगा, मतलब उच्च जो कहना चाहिए ताप होता है, उच्च ताप पर जो मेजरमेंट करता है, उच्च ताप पर मेजरमेंट करने के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पायर चिता थोड़ा उससे समझ में आ जाएगा, पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर दैट इज यूज्ड फॉर गेटिंग द टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर का पता लगाने के लिए जिसका यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पायरोमीटर। अब अगर बात करते हैं पायरोमीटर कैसे काम करता है, तो इसमें ऐसा लिखा है कि मान लीजिए एक हॉट बॉडी होती है, कहते कई चीज़ें इतनी गर्म होती है कि वहाँ पर थर्मामीटर हम नहीं ले जा सकते, लगभग कई एग्जाम में यही पूछा जाता है कि 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर को अगर प्राप्त करना हो या 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर मेजर टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए उपरोक्त इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज को क्या नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गेटिंग 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर किस यंत्र से टेम्परेचर को नापा जा सकता है या किस यंत्र से उच्च ताप वाली वस्तुओं को नापा जाता है, भट्टी वगैरह होती हैं जैसे, अब उनके ताप को नापने के लिए ऐसे मीटर का उपयोग किया जाता है जिसका नाम होता है पायरोमीटर। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ पास जाएगी तो उसको भी अगर टेम्परेचर का सेंस हो तो जल जाएगी, इसलिए क्या कहता है हॉट बॉडी से आने वाली, आपको पता होगा कि जो हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती तो लाइट जो होती है इमिट करती हैं, लाइट का उत्सर्जन करने लगती हैं, और ये लाइट का जो उत्सर्जन होता है फिर एक लेंस के थ्रू उसको सेंट्रलाइज करते हैं और एक ब्लैक बॉडी पर या किसी चीज़ पर उसको रोका जाता है, और उससे फिर अनुमान लगाया जाता है कि अगर इससे इतना मतलब इसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसको ज्ञात करके पता लगा लिया जाता है कि ये जो है बॉडी लगभग इतनी गर्म होगी अगर इससे इतनी जो है एनर्जी या कहना चाहिए लाइट इमिट हो रही है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य से क्या पता लगाया जाता है, उसके ताप का पता लगाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं पायरोमीटर। आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि पायरोमीटर यूज़ किया जाता है बहुत उच्च ताप पर। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इसका जो कई बार क्वेश्चन आता है कि पायरोमीटर जो होता है क्या इसका उपयोग निम्न ताप वाली वस्तुएं या फिर कहना चाहिए हमारे नॉर्मल जो ताप होते हैं उनको, जहाँ से नॉर्मल जो वस्तुएं होती है कहना चाहिए कि अभी वर्तमान का रूम का टेम्परेचर है या थोड़ा बहुत गर्म कोई चीज़ है, पानी आपने गर्म किया उसका टेम्परेचर है, तो क्या उसको नापा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी या आते हैं कि निम्नलिखित पायरोमीटर से निम्नलिखित दाब को नहीं नापा जा सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक आप इस बात को हमेशा से याद रखें ये केवल उन्हीं दाब को नापेगा जो कैसे होते हो रहे होते ज़्यादा गर्म होने के बाद उससे लाइट एमिट होने लगती है, वो गर्म होकर प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल काई पर बेस्ड है, लाइट पर बेस्ड है। गेटिंग, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। किसी ने पूछा है, शैलेंद्र जी ने पूछा है हमसे कि सर क्लास का टाइम क्या है, तो शैलेंद्र जी हम आपको बता दें कि हमारी जो क्लास है 11 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 11 से 12 मैं लाइव रहता हूँ और साइंस जनरल साइंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, और 3 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा आपके साथ एनवायरमेंट स्टडी के साथ, ठीक है। तो बात हो रही थी यहाँ पर, फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक है हमारा पायरोमीटर, सॉरी इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट में हम लोग अभी पढ़ रहे थे पायरोमीटर। तो आई थिंक आप लोग इसको बहुत इजीली समझ चुके होंगे, इसका यूज़ किया जाता है उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, ओके, बहुत हाई टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करना होता है देन वी यूज़ पायरोमीटर, तब हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे टाइप के बन जाते हैं, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर इसमें अलग हैं, ये लाइट पर बेस्ड होता है, प्रकाश पर बेस्ड है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसका आप ताप ज्ञात करना चाहते हो वो इतनी गर्म होनी चाहिए कि वो अपने टेम्परेचर को सॉरी लाइट को इमिट करने लगे, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। एमपी जीके के लिए अलग टीम है सर, आप हमारे उससे जुड़े रहें, नेक्स्ट टाइम आपको अभी सेशन आता रहेगा, टाइम टू टाइम हमारे सर लोग पढ़ाते रहते हैं। ज्योग्राफी के लिए शुभम सर पढ़ा रहे हैं,
आगे आता है क्रायोमीटर। जी हाँ, रोता नहीं है ये मीटर, लगता है जैसे क्रायोमीटर मतलब क्रायोमीटर होना चाहिए, कुछ रोने वाला उपकरण है, नहीं। क्रायोमीटर नाम से तो कुछ अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसको समझ पाएंगे कि ये भी एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मीटर है जिसको जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो पायरोमीटर, देखो थर्मामीटर की बात जरूरत नहीं है, आप थर्मामीटर सभी लोग जानते हैं टेम्परेचर नापने वाली चीज है, इसलिए थर्मामीटर क्या होता है, तापमान को नापता है, कौन सा तापमान, जनरल जो नॉर्मल तापमान होता है उसको यहाँ पर थर्मामीटर नाप लेता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर जाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत हायर जाएगा ठीक है, तो कौन सा आएगा, पायरोमीटर। और टेम्परेचर अगर बहुत बहुत माइक्रो काउंट करना हो आपको, बहुत कम टेम्परेचर का आपको पता करना हो, बहुत छोटा छोटा ताप आपको पता करना हो, जो जनरली हमारे थर्मामीटर में नहीं सो होता है, पॉइंट में, पॉइंट समझते ना कि कितने दशमलव कितने, तो उस दशमलव मतलब जो डेसिमल होता है उसके बाद से भी उन मार्क नंबर्स पर अगर आपको जाना होता है, तो इनके लिए यूज़ किया जाने वाला जो मीटर होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रायोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये काम करता है आपके बहुत छोटे छोटे से मेजरमेंट कराने में, एंड इट्स नेम इज़ क्रायोमीटर। गेटिंग, क्या नाम है इसका, क्रायोमीटर। ध्यान दें, नाम कई बार हमें कन्फ्यूज करते हैं, सो डोंट टेक इट वेरी सीरियस, आपको धीरे धीरे करके पूरे नाम में याद दिला दूंगा, डोंट वरी। हम बात कर रहे थे ये कौन सा टेम्परेचर थर्मामीटर होता है जो बहुत लो टेम्परेचर को बात करता है। थैंक यू सैलम जी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, हमारी टीम पूरा काम कर रही है आप लोग को बेस्ट देने का, कम समय में आपको अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना। तो बात करते हैं हम लोग एक और चीज़, मैनोमीटर। मैनोमीटर की अगर बात करें तो ये कोई उपकरण आपको दिख रहा है, आप लॉजिक लगाइए ये उपकरण किस चीज की बात करेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, ये जो ट्यूब है, खाली ट्यूब है, मान लो गैस भरी इसके अंदर, और यहां भी ये जो इसकी ओपनिंग है दैट इज ऑल्सो एम्प्टी, ये भी खाली है इसकी ओपनिंग, यहां से जो है ये दैट इज सपोज ऐसा मान के चलिए आपकी ये जो है खुला है, और अब आप बताइए कि इस मैनोमीटर होता है ये किस काम में यूज होता है। सर एमपी के एमसीक्यूज कब स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन पूछा है, एमपी के जो एमसीक्यूज हैं उसकी मैं थोड़ी सी बात करूं तो एमपी के एमसीक्यूज टाइम टू टाइम हमारे चैप्टर्स में चालू हो रहे हैं, वैसे हमारी टीम एक और अलग से सेशन चालू कर रही है जल्दी जिसमें केवल एमसीक्यूज ही लगाए जाएंगे, तो आप देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए, टाइम टू टाइम आपको पता चलता जाएगा ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग मैनोमीटर की तरफ, तो मैनोमीटर जो होता है एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जब तब किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पीएससी के एग्ज़ाम में भी ये पहले पूछा जा चुका है कि मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, द्रवों और गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। मान लीजिए आपको हेलो मैम, आपको मापन करना है अभी यहाँ के वायुमंडलीय जो अभी यहाँ का जो प्रेशर है, कोई गैस है, कोई गैस का दाब का मापन करना है, तो आप उस गैस से इसे कनेक्ट कर दीजिए, जैसे ये उस गैस के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी तरफ ये फोर्स एमिट करेगा, और जैसे ये फोर्स एमिट करेगा तो इन दोनों, अभी देखिए आप दोनों लेवल एक से होते हैं इसके ठीक है, तो ये दोनों लेवल क्या होते हैं, एक से होते हैं, और जैसे इस पर कोई भी आप कोई जगह पर जिसको इसको कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इस पर एक फोर्स, अगर मान लो आप कमरे के टेम्परेचर की बात करें तो कमरे में अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, ये चीज़ ऐसी रहेगी, लेकिन कमरे में अगर प्रेशर बढ़ जाए ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ा, कमरे की गैसों का प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्रेशर कहाँ आएगा, इस पर, और जैसे इस पर आएगा तो इसमें क्या होगा, ये नीचे की तरफ, ये लेवल थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ आ जाएगा ठीक है, ये मान लो यहाँ आ गया, ऑब्वियसली ये लेवल थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा ठीक है, ये इस तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो इस तरफ भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर कितना प्रेशर है, स्पेशली द्रवों का, द्रवों का मतलब मान लो बहुत गहराई के अंदर कोई जाना चाहता है, वहाँ का प्रेशर लेना कि वहाँ पर कितना प्रेशर होगा, तो ऐसे उपकरण जो होते हैं उस द्रव के अंदर डाल दिए जाते हैं, और जैसे शुरुआत जैसे ही वो द्रव के अंदर गहराई में जाता जाएगा उपकरण, और वो अपनी रीडिंग में यहाँ पर चेंजेस आते जाएंगे, तो ये आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि ये जो मैनोमीटर होता है वो द्रवों और गैसों का दाब को माप करने वाला उपकरण है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है इसका ठीक है।
यस ये सर पूछ रहे हैं कि क्या सर ये एमपीपीएससी की क्लास है क्या? जी सर ये एमपीपीएससी की क्लास है। शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं कि थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आई थिंक कि आप क्लियर आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आवाज़ एकदम क्लियर दूँ। कई बार डिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाती है तो शायद आवाज़ क्लियर नहीं आती। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आवाज़ क्लियर है शैलेंद्र जी। कंटिन्यू करते हैं हम लोग और इस इक्विपमेंट की बात करते हैं जो आपका बहुत ही कॉमन सा इक्विपमेंट है, सभी लोग इससे मिले जुले हैं। बताइए, और इससे क्वेश्चंस आया है? इसको ऐसे ही मतलब लाइटली ना लें, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो ये कौन सा उपकरण है जिसका यूज जो है हम करते हैं दूध का शुद्धता का मापन करने में? काम यूज करते इसका दूध की शुद्धता का मापन करने में, लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोमीटर। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है दूध की जो शुद्धता होती है उसका जो घनत्व होता है, अपेक्षापेक्षित घनत्व जिसको बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व का मापन करने में किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग बता दोगे। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जी वो दूध को फटाने वाले बैक्टीरिया हैं, लेकिन इस मीटर का इस्तेमाल जो है लैक्टोमीटर का हम करते हैं दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कि दूध जो है कितना प्योर है, इसमें कितने मात्रा में पानी लगाया गया। आज बड़ी प्रॉब्लम होती है दूध की, दूध में पानी मिलाने का जो काम है बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो उसको नापने के लिए भी एक मीटर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर। ये हमारे सबके घर में नहीं होता है, बट कुछ लोग इसको रखते हैं चेक करने वाले, डेयरी फार्म वाले। तो वो क्या होते हैं, दूध की गुणवत्ता का पता लगाते हैं कि दूध में क्या है, उसका घनत्व तो पता चल जाता है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और डेंसिटी के हिसाब से वो बता देता है कि ये दूध जो है उसमें कितना पानी मिलाया गया है या कितनी मात्रा में ये प्योर है। गॉट इट? तो उसको बोलते क्या? लैक्टोमीटर। क्वेश्चंस इससे आए प्लीज इसको लाइटली ना लें, लैक्टोमीटर पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे के उपकरण के बाद। लक्समीटर भी एक उसी से रिलेटेड, अभी एक उपकरण हम फोटोमीटर पढ़ चुके थे, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता को नापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि प्रकाश की जो है वो तीव्रता कितनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लक्समीटर कहता है, लक्समीटर। और ये क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है, बताता है कि आखिर प्रकाश जो है वो कितना है। वो इसका यूज जनरली कमरों के अंदर या कई बार ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक लिमिटेड टाइप का अमाउंट का लाइट जानी चाहिए, उनको ज्ञात करने में किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ये जो आपको दिख रही है ऊपर विंडो, इस पर प्रकाश लाइट जो होती है वो एमिट होती है, जैसे इस पर लाइट आती है तो उसकी लाइट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, इसकी रीडिंग जो है बढ़ती घटती रहती है, उससे पता चलता रहता है कि किस जगह अभी कहाँ लाइट की कितने इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए जो मेजरमेंट के लिए दैट मीटर इज यूज, दैट इज कॉल्ड लक्स मीटर। ठीक है, इसको बोला जाता है लक्स मीटर। ध्यान रखें प्रकाश की तीव्रता में यूज करने वाला लक्स मीटर, या उसी को एक और नाम देता है फोटोमीटर। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड फोटोमीटर और लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता का मापन करेंगे। तो अब आता है हाइड्रोमीटर। नाम से थोड़ा कुछ क्लियर आ रहा होगा, हाइड्रो है ना, हाइड्रोमीटर। बताएं कुछ क्या बताता होगा ये मीटर, क्या बताता होगा हाइड्रो? जी, उपकरण का पिक्चर देख के कुछ क्लियर हुआ हो? ये उपकरण जनरली बैटरी वाले यूज करते हैं, जो बैटरी वगैरह सुधारते हैं या बैटरी को बेचते या खरीदते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। और द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला ये यंत्र होता है कि वो जो उसमें द्रव है, लिक्विड है, उसका डेंसिटी क्या है, उसके अंदर अगर एसिड डला है और पानी है, उसकी डेंसिटी से वो बैटरी की लाइफ या बैटरी की की गुणवत्ता का पता लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोमीटर। तुलनात्मक घनत्व का मापन करने के लिए कि दो चीज़ों में किस चीज़ की डेंसिटी कितनी है, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, पता चला उनको पूरी बैटरीज के 5 सेल हैं उसके अंदर, या 6 सेल जो बैटरी में रहते हैं, हमारी बैटरी के 6 सेलों में एक एक करके वो सबका मापन करते हैं और देखते हैं किसका कितना
ऊपर डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से जिस सेल में कम आता है दैट इज वो सेल लगभग ख़राब हो गया बैटरी का, तो इसके हिसाब से इसका मापन किया जाता है। ठीक है, तो जी नहीं बटर का नहीं करते हैं, हमें लग रहा था आप लोग करेंगे बटर बस का नहीं, हाँ बटर का नहीं, बटर के घनत्व का करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग फिर से आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जिसका नाम है जी हाँ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, हाइग्रो लेकिन पानी नहीं है, वाटर वाला नहीं है, अभी हाइग्रोमीटर है। इसका पिक्चर भी आपके सामने है, शायद कुछ पता लग रहा हो, लेकिन पिक्चर क्योंकि ये अनकॉमन टाइप की पिक्चर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पाम की मतलब आप इससे जो ज़्यादा लॉजिक लगा पा रहे हो। ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है मॉइस्चर का पता लगाने में। ठीक है, हाइग्रोमीटर का पता किया जाता रहेगा मॉइस्चर का पता लगाने में। मॉइस्चर मतलब कहना चाहिए कि आपके वातावरण में मॉइस्चर की या पानी की जो बूंदें होती हैं या पानी पानी वाटर वेपर जो होती है उसकी मात्रा का पता लगाने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर इज़ जनरली यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, स्पेशली जब जिन जगहों पर आर्द्रता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हाइग्रोमीटर लगाया जाता है, क्योंकि आर्द्रता कई जगह पर कुछ नुकसान भी कर देती है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कई बार आर्द्रता के बढ़ने के साथ उनका जो है यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब उस तरीके से वो वर्क नहीं कर पाते, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वो काम करना तरीके से बंद कर देते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाने वाला एक मीटर होता है हाइग्रोमीटर, और दैट क्या करता है ये काउंट करता है आपकी वर्तमान की आर्द्रता को कि अभी वर्तमान में कितना मॉइस्चर है, कितनी आर्द्रता अभी वर्तमान में हमारे पास हमारे वातावरण में है, वायु में है। और ये जो होती है दैट इज़ कई बार बहुत ज़रूरी भी होती है कई जगहों पर, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस की किताबों में कि ह्यूमिडिटी हमारे लिए ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अगर कम ह्यूमिडिटी हो जाती है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और अगर ज़्यादा हो जाती है ह्यूमिडिटी देन टू ऑल्सो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है कहीं ना कहीं पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कम ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी के दिनों में जनरली ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, देन हम लोग कभी भी कहीं पर बाइक राइडिंग करते कहीं जाते तो हमारे नाक में बहुत अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, और यही चीज़ बरसात के दिनों में होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी के बढ़ते साथ क्या होता है फिर हमें एक अजीब से चिपचिपा टाइप का फील होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी से फिर ये होता है वेपराइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है आर्द्रता के कारण। तो कई जगहों पर ये मीटर्स जो हैं लगाए जाते हैं, हाइग्रोमीटर का नाम है, और ये क्या करते हैं उसको बताते रहते हैं कि अब क्या कंडीशन है, कैसा मॉइस्चर है। सर प्लीज़ 3 एक्ट के MCQs प्रोवाइड करा देना सर, एंड कंप्यूटर का भी सर, दैट इज़ फॉर MPPSC, डोंट टेक मी अदरवाइज। जितने हमारे कोर्सेज हैं हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपके MPPSC रिलेटेड हर क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग करा पाएँ। हमारी टीम के अलग अलग मेंबर्स हैं और उनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से वो तैयारी कराते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितने टीचर्स ट्रेनर्स एजुकेटर्स आपके साथ है पूरी टीम हमारी काम कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे वाले उपकरण को। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोमीटर क्या करता है जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करता है, जबकि हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या बताता है आर्द्रता का मापन करता है। वायुमंडल या कहीं पर भी आर्द्रता का मापन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। गेटिंग, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिससे MPPSC में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका नाम है फैदोमीटर। जी हाँ, फैदोमीटर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वेरी यूजफुल। आपको पता होगा फैदोमीटर जो टाइटेनिक मूवी आप लोग ने अगर कभी देखी हो तो आपको पता चला होगा, आई डोंट थिंक कि उनका फैदोमीटर उस समय पे काम कर रहा था, अगर कर रहा होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना शायद ना हुई होती। तो फैदोमीटर सागर की गहराई मापने में प्रयुक्त यंत्र है, दैट इज़ नॉट ओनली सागर की गहराई मापने में, ये लोग आगे के ऑब्जेक्ट का पता कर लेते हैं कि कहाँ क्या कंडीशंस आ रही हैं, तो
जहाजों को आगे बढ़ाने में काफी मदद करता है। कई बार क्वेश्चंस सोनार से भी आए हैं, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो फैदोमीटर दैट इज यूज इज द मैकेनिज्म जिसका नाम है सोनार, वो उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सोनार कहते हैं। ये क्या होता है, एक इसमें इमीटर रहेगा जो इसको इमिट करेगा सोनार वेव्स को, या जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इनको यहाँ पर इमिट करेगा। ये यहाँ पर कोई चीज़ की उससे टकराएगी और वापस पहुँचेगी वहीं पर, ठीक है। और ये टकराने के बाद जब वापस होती है तो यहाँ पर एक रिसीवर लगा रहता है जो उसको इलेक्ट्रॉनिक जो होता है सिग्नल्स में बदल देता है। तो उससे उनकी एक इमेज क्लियर हो जाती है, कुछ अनुमान उनको लग जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर है। तो कई बार कुछ पनडुब्बी इसको ढूंढने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पनडुब्बी को ढूंढने में या नीचे एक समुद्र की गहराई नापने में कि अभी नीचे कितना गहरा तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका उपयोग चमगादड़ वगैरह भी करती हैं क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती तो वो देखने में भी इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो भी और आपके डाउट्स इसमें अगर आ रहे हो तो प्लीज़ कंसल्ट करते चलें हमसे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो फैदोमीटर से क्वेश्चन आता है कि सागर की गहराई नापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज फैदोमीटर, ठीक है। एंड सोनार का इस्तेमाल किया जाता है तो भी आपसे आराम से बन जाएगा इन्हीं चीज़ों को ज्ञात करने में। सोनार का इस्तेमाल कौन सा पक्षी करता है, तो चमगादड़ वगैरह इसका इस्तेमाल करती हैं अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढने में। जैसे चमगादड़ ऐसी होती है तो ये यहाँ समझ लीजिए यहाँ से मूव कर रही है, और इसके मूवमेंट के सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट, वो अपनी तरंगे भेजती है यहाँ से और ये तरंग लौट के आ जाती है। तो अगर ये तरंग इसके यहाँ से लौट के आएगी तो ये समझ जाएगी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, एंड देन इट चेंजेस वे। मान लो यहाँ से तरंग लौट के नहीं आई, ठीक है, यहाँ से उसकी वेव थी वो चली गई, वो समझ जाती है यहाँ से क्या है हम जा सकते हैं। तो जो चमगादड़ होती है वो अपनी दिशा बदल लेती है, और यही चीज़ें हमारे जहाज चलाने वाले जो नाविक होते, कई बार यही पूछा है नौका चलाने वाले नौकायान यूज़ करते हैं, तब भी आपको याद होना चाहिए उन लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, फैदोमीटर यूज़ करना पड़ता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अल्टीमीटर का बताएं, बिल्कुल सर आप लगे रहिए, आपको एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। ये अल्टीमीटर भी हमारे इसमें अभी आने वाला है, ध्यान दें, थोड़ा सा वेट करें, काफ़ी लंबा सा चैप्टर है बट बिल्कुल पूरी चीज़ें क्लियर होंगी, सभी के डाउट्स धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कैस्कोग्राफ, जी हाँ, बड़ा सा एक है ना कि नेचुरल उपकरण, नेचुरल कुछ चीज़ों को उपकरण है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है पौधों की वृद्धि को नापने के लिए, जी हाँ, पौधों की वृद्धि को नापने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा पौधों की जो वृद्धि होती है, कुछ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, कुछ पौधे बहुत धीरे बढ़ते हैं, तो उनकी वृद्धि का मापन करने के लिए जो है हमारे बहुत बड़े भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, जगदीश चंद्र बसु जी ने, जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है काय में, पौधों की लंबाई को नापने में, पौधों की वृद्धि, सॉरी लंबाई नहीं कहना चाहिए, वृद्धि नापने में, कि पौधे में कितनी वृद्धि हो रही है उसको नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। और इसके जो हैं खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, जगदीश चंद्र बसु जी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और ये हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, और इनके बारे में और भी आपको पता चलेगा कि ये ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि पौधों में जान होती है, पौधों में जीवन होती है, पौधों में लाइफ होती है। बिफोर दैट ये माना जाता है कि लाइफ केवल जीवों में होती है, पौधे कैसे होते हैं निर्जीव माना जाता था, बट जगदीश चंद्र बसु थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को दुनिया में लाए थे कि पौधों में क्या होती है, जान होती है, इनमें लाइफ होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कैस्कोग्राफ को किसने डिस्कवर किया था, तो यू कैन इजीली से जगदीश चंद्र बसु। एंड अगला क्वेश्चन आ सकता है, कैस्कोग्राफ का इस्तेमाल पौधों की वृद्धि नापने में किया जाता है, फोटोसिंथेसिस की स्पीड नापने में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट आपके सामने रख देगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इसका यूज़ किया जाता है पौधों की वृद्धि नापने में, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, पौधों की वृद्धि नापने में यूज़ किया जाने वाला उपकरण है जी। अर्थक्वेक को नापने वाले पर भी हम बात करेंगे, और अल्टीमीटर हाइट मेज़र करने का तरीका है, बिल्कुल अभी हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला जो उपकरण है दैट इज डिस्कवर्ड बाय जगदीश चंद्र बसु, और उसका नाम था कैस्कोग्राफ, ठीक है। और कई लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको जो डाउट आ रहे हैं बताते चलें, जैसे अर्थक्वेक के बारे में अभी किसी ने पूछा है तो मैं यहाँ पर बता दूँ, सिस्मोग्राफ जो होता है
that is used for measurement of earthquake, seismograph. ध्यान दें, मैं थोड़ा सा भी टॉपिक को से दूसरी बात कर रहा हूँ. सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक, हमारे क्वेश्चन अभी आया है, पहले भी पूछा गया है, बट हम लोग इस पर डिस्कस कर ही लेते हैं अभी. सिस्मोग्राफ जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप. भूकंप को मापने में यूज किया जाने वाला एक यंत्र है जिसको नाम दिया है सिस्मोग्राफ. एक्चुअली ये जो सिस्मोग्राफ होता है वो एक कहना चाहिए लटकती हुई, पहले भी मैं किसी एक अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक स्प्रिंग से क्या होता है, एक मास को लटका दिया जाता है और उस मास के नीचे एक पैन जैसी एक संरचना लटकी रहती है, ठीक है. और यहाँ पर एक रोल लटका रहता है, रोल आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, एक पेपर का मान लो एक रोल जैसी एक संरचना इससे लटकी होती है, जुड़ी होती है इससे, और ये इसमें टच होता है, ठीक है. अब क्या होता है कि जैसे कोई भूकंप या कुछ भी चीज़ आती है, एक्चुअली मैं पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़मीन के बहुत नीचे कहीं लगा दिया जाता है, तो जब धरती में कंपन होता है तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है ऐसे, ठीक है. ये क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होगा और इसके मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की रेखाएं बन जाती हैं, ठीक है. और इन रेखाओं के लिए रिएक्टर पैमाना उनका होता है, उस पर नापा जाता है और इस रिएक्टर पैमाने में के हिसाब से भूकंप की तीव्रता बताई जाती है कि भूकंप कितना तेज आया था, ठीक है. तो इनसे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं डिस्कस, जैसे इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिस्मोग्राफ से, तो सिस्मोग्राफ से कई जी किसी ने आंसर भी दिया है, सिस्मोग्राफ का यूज़ भूकंप में किया जाता है, ठीक है ना. और परवेज जी पता नहीं क्या बताना चाहते हैं कि सिंग साइकोमीटर पूछ रहे थे, पैर पौधों की वृद्धि. पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर देने की, अगर हो सकेगा तो मैं अपनी टीम से बात करूँगा ऊपर. और अर्थक्वेक के बारे में जो पूछा था आपने, आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं अभी अभी पूछा गया है. भूकंप का जो यूज़ है, भूकंप का यूज़ क्या में यूज़ किया, भूकंप को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सिस्मोग्राफ का. सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से पैमाने पर होता है, तो रिएक्टर पैमाने पर होता है, ठीक है. रिएक्टर पैमाने का इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो रिएक्टर पैमाने में के बारे में और भी लंबा डिस्कशन है जो अब सिस्मोग्राफ में एक दिन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जिस दिन इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम, ठीक है. फिर हम लोग बात करते हैं क्रोनोमीटर. क्रोनोमीटर जो होता है दैट इज, इसका कोई पिक्चर मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये जो एक प्रकार की घड़ी होती है, ठीक है, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी. जी, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है, जो नाभिक समुद्र में जब जाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट उनको टाइम पता हो, इसके लिए यूज की जाने वाली घड़ी होती है जिसको नाम दिया जाता है क्रोनोमीटर, ठीक है. क्वेश्चंस जनरली मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आते हैं जो जनरली नए होते हैं, ठीक है, उनका पता चला आपको कई बार आंसर पता नहीं होता है, या उनमें से चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन में से पता चला आपको एक का आंसर पता नहीं है, बाकी तीन आपको पता है. जैसे क्रोनोमीटर है, पता चला पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता है कि क्रोनोमीटर का यूज़ यहाँ पर किया जाता है. तो ऑप्शन में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें डली होती कि आपको इतना तो पता रहता कि इसका यूज़ इस काम में किया जाता है, तो आप उसको तो कम से कम नहीं चुनेंगे, पर बाकी पता चला तीन आपको पता है, जो पूछा गया वो पता नहीं, तो ऑब्वियसली जो नहीं पूछा गया वो उसका ही होगा. तो ऐसे भी कई बार आंसर आप लगा से देते हैं, इसलिए आपको कई सारे मीटर्स जो ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते उनको भी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है. लेकिन जितने जनरली जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और चलते हैं हम लोग, अब आता है एक और इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मनुष्य के हृदय का में हृदय रोगियों का इलाज करने के दौरान इसका यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है कार्डियोग्राफ. इसको कार्डियोग्राम भी बोला जाता है और इसका आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है ECG. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. क्या नाम दिया था इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. कार्डियोग्राम क्या होता है, पहले कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राम क्या होता है? तो ये क्या होता है, हृदय की जो गति होती है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है. ध्यान दें, शुरुआत में भी हृदय से संबंधित एक दो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े थे, स्फिग्नो मैनोमीटर था जो प्रेशर नापता है, और आपका एक और था कौन सा,
जो हृदय की गति का कहना चाहिए को सुनते थे, सुनने में यूज़ किया जाता था हम लोग ने, स्टार्टिंग में देखा था हम लोग ने स्टेथोस्कोप। तो ये जो होता है कहना चाहिए उसी टाइप की चीज़ है, दैट ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरमेंट, और रिकॉर्ड रखता है इसका कि किस तरीके से आपका जो हृदय में पंपिंग हो रही है, हृदय का जो है वो पंपिंग किस वे में चल रही है, उसका ग्राफ जो होता है वो एक सा हो, ऊपर नीचे ना हो, कंटिन्यू एक साथ चलता रहे, फॉर दैट के लिए ये यूज़ किया जाने वाला ग्राफ होता है जिसको बोला जाता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका यूज, इसका नाम कहा जाता है। ठीक है। साइंस और एनवायरनमेंट में डर लग रहा है, इसकी तैयारी नहीं हुई। तो दिनेहा जायसवाल जी, आपको मैं बता दूं कि इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने कल का अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ निश्चित निश्चित से टॉपिक्स हैं, उनको ही आप कवर कर लेंगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को बहुत हद तक निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम उतना ज़्यादा टाइम हम इन सब्जेक्ट पे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कोर्स बहुत सा ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो कम समय में काम करने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा, और स्मार्ट स्टडी कहती है कि आप इन चीज़ों के लिए वो ही चैप्टर पढ़ें जिन चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और आज की क्लास भी उसी से रिलेटेड है। और आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपके जितने भी क्वेश्चन इससे आने वाले हैं आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रह के काम करिए, क्योंकि हम आपको हर चीज़ विजुलाइज करा रहे हैं कि कार्डियोग्राफ जो होता है वो कैसे काम करता है, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि कार्डियोग्राफ क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है और स्टेथोस्कोप क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम कहते हैं जिसको ईईजी। जी हाँ, इसकी भी जांच आप लोगों ने अगर देखी है कभी तो हमारे डॉक्टर लोग की जो दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उस पर कई बार वो लोग लिख देते हैं कि ये कराइए ईईसीजी, गेट दिस टेस्ट डन, इस टेस्ट को करा लीजिए। तो इसके लिए क्या नाम दिया जाता है, ईईजी, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रो एंसफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रो एंसफेलोग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, मनुष्य के मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि, नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रो एंसफेलोग्राम। ठीक है ना, ईईजी के नाम से भी आप कई बार आ जाता है। तो ये क्या होता है, जब कभी कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है बॉडी का, कोई जनरली लकवा के जो पेशेंट होते हैं उनमें, या कई और जो पेशेंट होते हैं जहाँ पर उनकी विद्युत तरंगें कहना चाहिए उनके जो सिग्नल्स होते हैं पूरी बॉडी में तरीके से नहीं आ रहे होते हैं, तब इनको चेक करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ किया जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम। ठीक है। ठीक है, इसका नाम है ईईजी। ध्यान दें, कन्फ्यूज ना हो, पिछली वाली जो डिवाइस मैंने बताई थी दैट इज ईसीजी थी, वो कौन सी थी, ईसीजी, और अब कौन सी है, अब है ई, सॉरी, ये थी ईसीजी और ये ईईजी, इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम। ठीक है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अब याद रहेगा आपको कार्डियोग्राफ और ईईजी कैसे याद करते हैं। बैरोमीटर पर हम लोग का अगला टारगेट है करने का, बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। ठीक है, वायुमंडल का प्रेशर मापने का एक यंत्र है जिसको नाम देता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, MPPSC में बैरोमीटर से क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल का दाब प्राप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट का या बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडलीय दाब जो होता है इस किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से एक और क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है कि बैरोमीटर में प्रयुक्त होने वाला लिक्विड है जो उसके अंदर द्रव प्रयोग हो रहा है वो कौन सा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो होता है पारा, लेड। ठीक है, पारा ही इसमें, सॉरी, पीबी जिसको बोलते हैं, मरकरी जिसको बोलते हैं, मरकरी या दैट इज बैरोमीटर में यूज किया जाने वाला उपकरण है, पारा, सॉरी, पारा इसमें यूज किया जाता है, मरकरी, मरकरी का यूज इसमें किया जाता है, पारा। ठीक है, बैरोग्राफ, पिक्चर से थोड़ा बहुत कुछ क्लियर होगा कि बैरोग्राफ जो है क्या बता रहा है, नाम देखिए बैरो और ग्राफ, बैरोमीटर था पहले जिससे आपने अनुमान मतलब नाप मेजरमेंट किया था कि कितना है। ठीक है, और बैरोग्राफ क्या होता होगा, फिर ग्राफ बना देता है, एक सामने आप देख रहे हैं इस डिवाइस पे बनी है, वो डिवाइस आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर रही होगी
ये रिवाइज क्या होता है, यहाँ पर एक मान लो एक बैरोमीटर का जो है सो ऑब्जर्वर लगा रहता है, वो क्या होता है वायुमंडल का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है अगर वो कम होता है तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, और अगर बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इससे कनेक्टेड एक पॉइंट बना रहता है, और ये पॉइंट में क्या होता है एक पिन बनी रहती है जिस पर कुछ पेंसिल जैसी कोई चीज़ लगी रहती है, और ये जो आपका रोल होता है ये मूव होता रहता है। जैसे ही इस पर कुछ प्रेशर आता है ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, और जैसे ही प्रेशर कम होगा ये ऊपर आ जाएगा। तो लंबे समय में, लंबे समय मतलब पता चला आपको दिन दिन भर का पता करना है कि दिन भर में टेम्परेचर का क्या हुआ, सॉरी टेम्परेचर नहीं कहना चाहिए, इसका वायुमंडलीय दाब का क्या हुआ, दिन भर में वायुमंडल का प्रेशर कैसे रहा। तो ये प्रेशर जो होता है ये इस तरीके से बताता देता है कि दिन में कब बढ़ा कब घटा कब क्या हुआ, ये पूरी चीज़ें इस ग्राफ के माध्यम से आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आगे। अल्टीमीटर, जी हाँ, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था अल्टीमीटर, और फिर आंसर भी आप ही ने दे दिया था, बिल्कुल आपका आंसर सही था। ऊंचाई मापक यंत्र होता है, मुख्यतः विमानों की ऊंचाई नापने में यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है अल्टीमीटर। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, अल्टीमीटर। कब यूज किया जाता है, ऊंचाई को मापने में, विमानों की ऊंचाई नापने में यूज किया जाने वाले यंत्र, बस इसमें इतना याद रखना है अल्टीमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, इसके मेजरमेंट में यूज किया जाता है हाइट, विमानों की हाइट वगैरह को यूज करने में यूज किया जाता है। फिर आता है अमीटर, अल्टीमीटर अमीटर में कंफ्यूज ना हो, अमीटर यूज किया जाता है विद्युत धारा मापक। ठीक है, विद्युत धारा, ध्यान दें कई बार क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि विद्युत शक्ति, शक्ति का मापक अलग है, विद्युत धारा का मापक क्या है, अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या है, विद्युत धारा का मापक है, ना कि वोल्टमीटर, कुछ लोग वोल्टमीटर का भी ऑप्शन नीचे लगा रहेगा, विद्युत धारा का मापक है वोल्टमीटर, नहीं वो विद्युत विभव का मापक है, दो सिरों के विभवांतर को बताएगा कि वो कितना है, वोल्टमीटर कितने वोल्ट का विभवांतर है, और अमीटर क्या बताता है कितने आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, या कहना चाहिए विद्युत धारा कितनी उसमें से बह रही है किसी वायर के अंदर। ठीक है, तो अमीटर जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर किसके, किसके मेजरमेंट में यूज किया जाता है अमीटर का, विद्युत धारा के मापन में। ठीक है, तो इजीली आप इसको बना सकते हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं एनीमोमीटर, क्या नाम है इसका, एनीमोमीटर, अगला क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। वायु वेग मापक, क्या है वायु वेग मापक, शुरुआत में एक आपको और इंस्ट्रूमेंट मिला था जिसका नाम दिया था हमने विंड वैन, विंड वैन जो होता है वो, और एनीमोमीटर, ये दोनों क्या होते हैं कंफ्यूज करने वाली चीजें। एनीमोमीटर जो होता है वायु वेग मापक यंत्र होता है, जो वायु का वेग मापता है कि वायु जो होती है किस वेग से बह रही है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया था, पवन चक्कियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उनको बचाने के लिए भी कई बार, और जहाँ पर पवन चक्की लगाई जाए उन जगहों का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वायु का वेग ज़्यादा होता है थोड़ा, वहाँ पर ही हम लोग क्या काय का यूज़ करते हैं, पवन चक्कियों वगैरह का, विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, वायु की गति का मापन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एनीमोमीटर, बिल्कुल सही है आप प्रियंका जी, हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, एनीमोमीटर जो होता है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है ना, विंड की वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो विंड की स्पीड पता चलता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि, नाम से पता चलता है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है, इससे ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है कि ध्वनि जो है किस लेवल की है, अभी उसकी क्या तीव्रता है। ठीक है, ऑडियोमीटर। रेन गेज, दैट इज ऑल्सो कॉमनली सभी लोग इसको जानते हैं कि वर्षा या बर्फ या कोई भी जो कहना चाहिए बारिश से होने वाली चीज़ों की मापन करने में यूज़ किया जाने वाला है, वर्षा का मापन करने में, वर्षा बर्फ वगैरह का मापन करने में यूज़ किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, और भी उपकरण होते हैं जैसे यूरोमीटर, प्लीबियोमीटर या ओम मीटर, मीटर भी इसका नाम दिया था ओम्ब्रोमीटर। ठीक है, ये भी इसी में यूज़ किए जाते हैं, रेन गेज कहलाता है ये, रेन गेज मतलब आपको एक गेज जैसा बना रहेगा, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर थोड़ा याद आएगा, ये क्या करता है वर्षा की कितनी मात्रा है, क्या वर्षा हो रही है, कितनी वर्षा होती है उसका मेजरमेंट ये कर लेता है रेन गेज। ठीक है, इसके अंदर एक गेज लगा रहता है, आपको दिख रहा होगा इसमें ये पैरामीटर होते हैं उसका, सॉरी स्केल रहता है, इस स्केल पर आप देख लेते हैं कहाँ तक पानी आ गया, कहाँ तक कितनी वर्षा हुई, तो एक दिन की, एक महीने की पूरी बरसात की टोटल वर्षा वगैरह की काउंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है कौन सा, रेन गेज। ठीक है,
और अगला जो आपको हम फिर से वापस ले चलते हैं, आपको शुरुआत से एक बार रिवाइज करा देते हैं पूरे, ताकि आपसे याद आ जाए पूरा जहाँ तक हम लोग अभी आए थे आज सुबह से। तो पहला हमने आज पहला स्टेप स्टेट स्टार्ट किया था स्टेथोस्कोप से, जो हृदय गति को सुनने में यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है स्पेग्नोमैनोमीटर, जिसका नाम होता है रक्त दाब मापी, ये ब्लड का प्रेशर नापता है, ठीक है। और इसमें यूज होने वाला पदार्थ पारा होता है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। दूसरा होता है विंड वैन जो होती है, दैट इज आप बिल्कुल इजीली आप समझ पाए होंगे, विंड वैन पे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करते हैं। बैरोमीटर से मिलता जुलता होता है, लेकिन बैरोमीटर जो होता है वो स्पीड बताता है कि किस वेलोसिटी की हवा बह रही है, ठीक है। और जबकि ये विंड वैन होती है वो केवल उसकी दिशा बताती है, किस दिशा से बह रही है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था पायर हीलियोमीटर जो होता है, पायर हीलियोमीटर जी पूरे नहीं हुए मैं मानता हूँ सुपर सॉन्ग जी, यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों तक को कवर करा पाएंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं तो इनके लिए तो बहुत लंबा सा एक लेक्चर चाहिए, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए अभी आप इतना ही करें, सौर विकिरण का मापन, और फिर आप बुक्स वगैरह से कंसल्ट और कर सकते हैं कुछ निश्चित अगर आपको कुछ लगते हैं इंपॉर्टेंट। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र कौन कहलाता है? पायर हीलियोमीटर। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता का मापन करेगा, ठीक है। लक्स मीटर भी इसी तरीके का यंत्र है। दूसरा आपने देखा था पायरोमीटर, ध्यान दे कंफ्यूज नहीं होना है, पायरोमीटर पायर इससे याद रखा करो, पायरोमीटर कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली वस्तुएं होती हैं उनका मापन करने में, लेकिन उनका टेम्परेचर का मापन प्रकाश के रूप में होता है, इसलिए ध्यान रखें ये ज्यादा गर्म होनी चाहिए, ठीक है। क्रायोमीटर बहुत कम डिफरेंस का टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है, और बहुत कम ताप को इससे ज्ञात किया जाता है। दूसरी आता है मैनोमीटर, मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है द्रव और गैसों का दाब मापने के लिए, कि किसी द्रव का कितना दाब है, इसको मापने के लिए यूज़ किया जाने वाला मीटर होता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो क्या क्या नापता है? दूध की गुणवत्ता या आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। लक्स मीटर दैट इज यूज, हमने बताया था प्रकाश की तीव्रता को यूज कर नापने का यंत्र है फोटोमीटर के जैसा। दूसरा आता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जल या किसी द्रव का तुलनात्मक घनत्व मापेगा कि ये वाला इसका घनत्व इतना है, इसका घनत्व इतना है, किस द्रव का, या जल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कहना चाहिए अलग अलग जगहों के जल होते हैं उनका जो अंदर का घनत्व नापने के लिए यूज़ किया जाता है, द्रवों का घनत्व कहना चाहिए। हाइग्रोमीटर जो होता है दैट इज यूज फॉर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर ध्यान दें ये क्या ह्यूमिडिटी को बताता है। गुड आफ्टरनून डियर, और भी आपको इसको देखना है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस करें। फैदोमीटर कब यूज़ किया था? समुद्र की गहराई को मापने में, सोनार का यूज इसी में होता है। और आता है फिर कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ जो यूज़ किया था जगदीश चंद्र बसु जी ने बनाया था इसको पहली बार, और पौधों की वृद्धि को नापने वाला उपकरण है। और सिज्मोग्राफ जिसको बोलते हैं भूकंप को नापने के लिए यूज़ किया जाने वाला उपकरण है, और इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सॉरी इसमें जो यूज़ किया जाना पैमाना होता है वो रिएक्टर पैमाना होता है, ध्यान रखें। अगला आता है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का यूज़ केवल घड़ी के रूप में यूज़ किया जाता है, एक प्रकार की घड़ी है क्रोनोमीटर। फिर आता है आपका कार्डियोग्राफ, जिसको हम ECG बोलते हैं, वो क्या होती है? वो केवल हृदय गति को रिकॉर्ड कर लेता है कि हृदय की जो गति वो ऐसी चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम जो होता है ईजी, जिसको EEG बोलते हैं, मनुष्य की विद्युत गति को मापने वाला यंत्र है। दूसरी बात आती है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडल का दाब नापता है कि वायुमंडल में दाब कितना है, और उस दाब के हिसाब से ग्राफ तैयार करने वाला उपकरण होता है जिसको बोलता है बैरोग्राफ, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, अल्टीमीटर पे क्वेश्चन आया था, अल्टीमीटर क्या किया जाता है? ऊंचाई नापने का एक यंत्र है, ठीक है। फिर आता है अमीटर, विद्युत धारा का मापक यंत्र है। तीसरा आपका आता है एनीमोमीटर, सॉरी अगला, जिसका यूज़ किया था वायु का वेग मापने में, ठीक है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है। ये थे आपके क्वेश्चंस, रेन गेज जो है आपका रेन वर्षा की वर्षा नापने में यूज़ किया था कि कितने समय कितनी वर्षा हुई, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है दैट इज़ वर्किंग फॉर यू स्पेशली फॉर MPPSC, आपके पूरे एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, और आप हमारे साथ और अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज और बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। 12 महीने का एक कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 महीने के कोर्स के लिए आपको 7,000 रुपये हमारा चार्ज है, लेकिन आप हमारा कोड ABLIVE यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं केवल 6,300 रुपये में, ठीक है।
फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ, सॉरी सब्सक्रिप्शन की तरफ, जो 24 महीने के लिए अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको मिलता है पूरा डिस्काउंट 10% का इस पर भी, और आप इसको प्राप्त कर सकते हैं केवल 10,080 रुपये में, जो पहले था 10,200 रुपये। ठीक है, आपको हमारा लेसन कैसा लगा इससे संबंधित हम फीडबैक ज़रूर दें हमारे जो नीचे लाइन है उनमें डिस्क्रिप्शंस में, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।